अरे ओ मंत्री टोपा वाले जी महाराज प्रणाम। सारा महल खोज करके देख लिया लेकिन हमें रानी साहेबा छोटी वाली रानी दिखाई नहीं दे रही है। अच्छा महाराज, महारानी तो कोप भवन में पड़ी हुई है। कोप भवन में? हाँ कोप भवन में। हाँ महाराज। लेकिन क्यों? महाराज महारानी की थोड़ी तबीयत खराब है इसीलिए वो कोप भवन में है और वो किसी को कुछ बताती भी नहीं है। अरे तो भले आदमी या डाक या डकोरा में एक तो एक बड़ा वैद्य आइए दिखवा दे तो। लेकिन महाराज है कि ना यहीं बैठे बहुत। हाँ। साहब का बहुत बहुत स्वागत है महाराज। हाँ। महारानी किसी भी वैद को दिखाना चाहती नहीं है और उन्होंने तो अपने बाल बिखेर रखे हैं और अपनी वेशभूषा भी कुछ अलग ही कर रखी है महाराज और रो रो के बुरा हाल किया हुआ है। चलो हम देखते हैं। जी महाराज। थोड़े बहुत वैद हम भी हैं। यो रानी भी पागल हैगी दी के ऐसे ठंड के मौसम में है को भवन में पड़ी है। महारानी नूना दे ए महारा महारानी महारानी लाइव चल रो है और राजा का इस तरह से अपमान करना ठीक नहीं है। अरे तो रो रहे हैं। रो रही है क्या? हाँ महाराज रो रही हूँ। पर आंसू तो एक भी नहीं है। आंसू ने तो गैल गैल पी रही हूँ। अच्छा महाराज। हाँ। आज मुझसे आप कुछ मत कहो, कुछ मत बोलो, मुझे हाथ भी मत लगाओ। लेकिन महारानी ऐसा क्या हो गया आप जो कोप भवन में पड़ी हैं? बस आपका स्थान राजमहल के अंदर है, आप मेरे साथ राजमहल में चलिए। चुप। हाँ? तेरी वजह से तो सारा कलेसी हो रहा है बुढ़े। तूने तो सारी इसी की तिसी कर रखी है गंजे। अगर तू ढंग का होता ना ये दिन नहीं देखना पड़ता मुझे आज। तो यह बात चुपचाप ही कह रहा, कहा कभी बुढ़ो कभी कछु, ये कोई चोखी बात है? देखियो अड़ोसी पड़ोसी कैसे मौज ले रहे हैं। तेरी तरह के बुढ़े राजा होंगे तो पड़ोसी मौज लेंगे और कौन लेगा। रे उठ क्यों तले पड़ी मेरी नार। मने मत ना छेड़े भरता। रे उठ क्यों तले पड़ी मेरी नारे ने मत ना छेड़े बरतार तेरे ते बोलिया ना चाहती। और अंधेरे दिख अंधेरे गुब्बार महल में दीवाना पाती। उठ क्यों तले पड़ी मेरी नारे ने मत ना छेड़े बरतार तेरे ते तो ठीक ठाक देख ले या मैं डूब के मर। अब ना बचू महाराज। अच्छा अब नहीं बचूंगी मैं। मैं सब जानू इन औरतों का उल्टा हो मता ये थारा। उल्टा हो मता आज पर
पड़ूंगी कुएं में, तने लाग जा पता चले, लाग जा पता। ऐसी क्या खता हुई मेरी से, इब तक डटी शर्म तेरी से, किसी के खता हुई मेरी से, इब तक डटी शर्म तेरी से, अपने बयान कर जाती। ऐसा किसने क्या, ऐसा किसने क्या कह दिया डहन, तू रो रो डकराती। उठ क्यों चढ़े पड़ी मेरी नारे, मने मत ना छेड़े भरतारे तेरे ते। इतनी ढेर सारे पैसे दे रहा हूं, मुझे नहीं है पैसों की जरूरत, मुझे किसी चीज की अब कोई जरूरत नहीं रही है। कति मरेगी? बिल्कुल मरूंगी। लेकिन क्यों मरना चाहती है यूं तो बता दे। अब तेरे जैसा राजा, वो भी इतनी सर्दी में एक एक महीने में शक्ल देखेगा, तो मरूं ना तो क्या करूं ये तो बता। तूने करवा रखा है मरने जैसा काम। बात यह है मैं कोई आम आदमी नहीं हूं, मैं राजा हूं, राजा नाम नाम भाई। और पूर्व नहीं वर्तमान हूं मैं तो। राजा है? तो है राजा, तो तू है। हाँ हूं, लेकिन है नाम नाम का ही बस। बस दरबार में ढेर सारे काम होते हैं दरबार में, बस मैं ही जानती हूँ आज मेरे दिल की, और कोई नहीं जानता। और देख ये सारी प्रजा तेरी है, इतनी बड़ी बाटका तेरे लिए बनवा रखी है, इनमें झूला झूला आराम से मौज मस्ती कर। हाँ झूला सी झूल रहे हैं हम तो, तू कह दे जो कहना चाह रहा है। अरे बाग बगीचा रुक जा, बुढ़ापे की तरफ देख ले, इधर चल। जितना जोर तू यहाँ दिखा रहा है ना, हाँ इतना जोर अगर घर दिखाता तो कलेश नहीं होता किसी बात का। वाह। पर ना कूद वापस, कूद कूद वापस कूद। डकोरा में तो तुम ज्यादा ही जान बन रही है गज। हाँ तेरे कर्मों की वजह से हो रहा है तेरे साथ। अच्छा हाँ। कौन प्यारा से यो घर शहर नगर थारा से, तेरे ते बाद कौन प्यारा से यो घर शहर नगर थारा से, अरे मेरा कोई ना साथी। सुन हाँ, चाहे घर में हाँ जो इतनी बड़ी बेइज्जती कर रही है ना तू, क्या कर रही हूँ, कुछ अकल से काम ले। हाँ चाहे घर में जूत मार ले बाहर में, मानस पंचाती। उठ क्यों तड़े पड़ी मेरी नारे, मने मत ना छेड़े भर तार तेरे ते, बोलिया ना चाती। अरे अंधेरे गुब्बार महल में, दीवाना बाती। उठ क्यों तड़े पड़ी मेरी नारे। ओ हो, ओ भाई,
ठीक है जी। सीने मत बिगाड़ो बीच में। बोलो न्यू बता। अभी तो तू रो रही थी, अब इतनी जल्दी हंसी आ रही है? कहां हंस रही हूं देखियो। कहां हंसी आ रही है दादी? रोनो नहा तो होते आप तो सीख लियो। दादी ने अपने टाइम में खूब फैल बखेरे होंगे, ऐसे ही मत समझ। हाँ जैसे तू बखेर रही है, मैं तो फैल ही तो बखेर। मेरी तो आत्मा रो रही है। कहां उन आत्मा नहीं दिखा पहले? क्यों दिखाऊं? कहां रो रही है? अंदर है वो। अच्छा तू बाहर है, आत्मा अंदर है। अरे न्यारे 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 बैठ गए, न्यारे न्यारे बैठ गए, कैसे बांदर से घिर के, बांदर से घिर के। न्यूते में भी जानू यो पेंडा, छूटेगा मर के यो पेंडा, छूटेगा मर के। मरेगी? मरूंगी। हाँ। अभी मरूंगी यही। मरने वाली लुगाई ऐसे ड्रामा ना करे जैसे तू कर रही है। तो मर जाऊं पर न्योमा। अरे रुक तो सही, तन्यो मतम मर काए ऊपर रही है, वो बात है तो बता दे। वही तो नहीं बताई जा रही है। अरे न्यारे 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 बैठ गए, कैसे बंदर से घिर के, किसे बंदर से घिर के। न्यूतों में भी जानू यो पेंडा, छूटेगा मर के यो पेंडा, छूटेगा मर के। फिर कुछ करके जा बैठ समाई। अब बताई दूं फिर? हाँ बता बता। थारी दोनुआ की ना बनू लोगाई। दोनों की? और मेरे अलावा दूसरा कौन है? अरे ये तो बता मेरे अलावा दूसरा कौन है? खत्म कर दूंगा उसे। सोच ले। मार दूंगा। सोच ले। हाँ सोच लिया। बता दूं? बता। तेरे अलावा एक तो तू। हाँ और कहाँ है? और ये तेरा छोरा, ये पूरणमल, ये देखने में छोटा है लेकिन बड़ा खोटा है। क्या कहा? त्यारी दोनुआ की नहीं बनू लुगाई। हाँ तेरा कहने का मतलब ये है मेरा ये 10-12 साल का बालक तुझे लुगाई बनाना चाह रहा था। सांप का बच्चा छोटा हो या बड़ा हो जहर बराबर होता है। रामायण महाभारत हाँ। गीता सत्यार्थ प्रकाश सब ते नहीं पढ़ रहा सब रो अनुभव तो ही है सारा। यू 10-12 साल का बालक है यार, तो इन बातों को कोई ज्ञान भी ना है। इसे सारी बातों का ज्ञान है महाराज। ये तो बेचारा 24 घंटे हनुमान चालीसा पढ़ता रहता है, इसको तो कुछ भी नहीं पता महाराज। या तो आज के बाद इस महल के अंदर ये पूरणमल रहेगा या मैं रहूंगी, एक को चुन ले। रानी हाँ। ये इकलौती संतान है और मैं भरी सभा में ये कह सकता हूँ कि मेरा पूरन तो नेक है और हजारों में नहीं बल्कि करोड़ों में एक है। मेरा पूरन ऐसा नहीं कर सकता। तो सुन, तू तेरे पूरन मल ने सिर पे धर ले, मैं अपने घर चली जाऊंगी और सारा शहर खड़ा देखे मैं फांसी खा के मर जाऊंगी। ऐ तेरी मरने की कब कह रहा हूं? अब या तो यही रहेगा या मैं ही रहूंगी, नहीं मैं मरूंगी। अब तुझे मैं प्यारी हूं कि नहीं ये तू सोच ले। तो घर बिगर गो इत के छोरा, कहा करना चाहिए बताओ। दया छोरा दे दियो ज्ञान। बात ये है रानी हाँ, तू चाहे कुछ भी कहे पर बात गले से नीचे नहीं उतर रही। ये 12 वर्ष के बाद भौरे से निकला तो है। इसका मतलब मैं झूठ बोल रही हूँ? मुझे तो ऐसा ही लगता है। तू सच्चा, तेरा छोरा सच्चा। एरा कुछ करके जब बैठ समाई, थारी दोनों आँखी ना बनो लुगाई। अब कुछ करके जब बैठ समाई, थारी दोनों आँखी ना बनो लुगाई। मेरी ना और मरी छाती और हाथ लगा के देख लियो यार, शेरी से ताती उठ क्यों तरे पड़ी। मेरी नारे बने ना छेड़े पर तारे तेरे ते, तेरे बोलिया ना चाहती और मेरे गुब्बार महल में दीवाना पाती उठ क्यों।
इस रागनी पर आदरणीय राघव महलावत डकोरा 100 रुपए और आदरणीय पंडित जी तुलाराम शर्मा जी डकोरा, आदरणीय पंडित जी तुलाराम शर्मा जी डकोरा 500 रुपए। भाई दादा इनाम दियो वा के नहीं, तो धन्यवाद पर वा कोई मंत्र ऐसा बता जो यू काबू मां भाई तो बिचिर रही है कोई ऐसा ए ना लक्ष्मी सीधो आदमी हो ऐसा तो सीधा अब ब्रेक चुटकला याद दिला दी है लक्ष्मी के जो मत भरो खोट ज्यादा तन में ही निकले तो तू भी मरता जाएगी पर सोच ले करने तेरे भी नहीं छूटेंगे लक्ष्मी बन रही है अपनी क्या है मैं तो बढ़िया हूँ अपनी जगह तू क्या है तू अपने आप को देख सूखी हड्डी अच्छा जी हाँ अभी जब ताकत दिखा रहा जब तो नौकरी रुक जा सही कह रही है मैं टूट टाट जाता कहीं से एक कली और सुनिएगा इस रागनी श्री लक्ष्मी चंद्रा लक्ष्मी चंद कह रंग महला में रोप दिए चाड़े रोप दिए चाड़े दीप खोल के गेरूंगी सर गूंदी के नाले सर गूंदी के नाले श्री लक्ष्मी चंद कह रंग महला में रोप दिए चाड़े रोप दिए चाड़े खोल के गेरूंगी सर बूंदी के नाले सर बूंदी के नाले रे हटले काले मुंह की नागे तेरे उस पूरण मल ने आग रे हटले तू काले मुंह की नागे तेरे उस पूरण मल ने आग काल दी हाँ इसे भगत के दोष धरे तू पाप रूप घाती उठ क्यों तड़े पड़ी मेरी नार मने मत ना छेड़े मर सारे तेरे पे बोलिया ना चाहती अंधेरे गुबार महल में दीवाना बाती उठ क्यों तड़े पड़ी मेरी नार